अस्सलाम वालेकुम डियर आरपीएन व्यूअर्स, मैं रजा मुजाहिद रहमान प्रो नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से। आज हम बात करने जा रहे हैं बेटन कराची के अंदर उन विलास की जो हमें इंस्टॉलमेंट बेसिस पे मिलेंगे। अगर हम इन विलास की बात करें तो अली ब्लॉक जो कि प्रीसेंट 12 के नाम से एक प्रीसेंट बैरियर टाउन कराची में जाना जाता है, बहुत फेमस प्रीसेंट है। इसकी इस वक्त अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो अराउंड 800 प्लस यहाँ पे जो होम्स हैं उनकी जो कंस्ट्रक्शन है घरों की वो हो चुकी है यहाँ पे। और अगर हम यहाँ पे विला की बात करें तो बहुत सारे डिफरेंट बिल्डर्स हैं जो यहाँ पे इस वक्त अपनी जो कंस्ट्रक्शन है बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, और हम लोग भी जो अपने कस्टमर्स को कंस्ट्रक्शन करवा के दे रहे हैं इन प्लॉट्स के ऊपर, इन विलास के ऊपर, उसमें मोस्ट ऑफ डेट जो क्लाइंट है हमारा वो यही डिमांड करता है कि हमें इंस्टॉलमेंट बेसिस पे विला बनवाना है आपसे। डेफिनेटली हर बंदे के पास बजट उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है, तो इंस्टॉलमेंट बेसिस पे मेरा आज की वीडियो बनाने का रीज़न यही है कि आपको हम प्रॉपर गाइड करें कि उनके जो रेट्स हैं उसके हवाले से डाउन पेमेंट अभी क्या है, आप इंस्टॉलमेंट बेसिस पे कितने टाइम के लिए उस विला के लिए जो टाइम ड्यूरेशन है वो क्या मिल सकता है आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डाउन पेमेंट है इंस्टॉलमेंट बेसिस पे वो आपको इनिशियल स्टेज पे जस्ट 12,50,000 डाउन पेमेंट दे के आप अपने विला की जो कंस्ट्रक्शन है वो हमारे थ्रू करवा सकते हैं। जो नॉर्मली टाइम आपको दिया जाएगा एज़ पर एग्रीमेंट वो 18 महीने का हम आपके साथ एक एग्रीमेंट करेंगे, जिसके अंदर ये रेट्स डिसाइड होंगे कि जो टोटल प्राइस है उसकी जो कॉस्ट पड़ती है। सपोज़ हम एक विला आपकी कंस्ट्रक्शन करके देते हैं आपके प्लॉट के ऊपर जिसकी वर्थ 90 लाख रुपए है, तो उसकी जो डाउन पेमेंट है वो आप जस्ट 15-20% उसकी डाउन पेमेंट देंगे, जो तकरीबन 12-15 लाख रुपया बनेगी, और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो आपकी 18 महीने की इंस्टॉलमेंट बेसिस पे होगी। अब इसके अंदर बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं जिनके क्वेश्चंस ये होते हैं कि जो आया रिमेनिंग अमाउंट है, क्योंकि डाउन पेमेंट का इतना किसी क्लाइंट को इशू नहीं होता, जो जाहिर सी बात है इंटरेस्टेड होंगे तो वो डाउन पेमेंट के अंदर तो 12 की बजाय शायद 15 या 20 लाख रुपया भी दे दें, लेकिन उनका जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये होगा कि जो हमने रिमेनिंग अमाउंट देनी है उसका आया क्राइटेरिया कैसा है और वो हम कितने टाइम में दे सकते हैं, हमारे पास उसमें कौन कौन से ऑप्शन है। तो उसमें मैं अपने नाजरीन को बताता चलूं कि उसमें आप एक तो मंथली इंस्टॉलमेंट बेसिस पे हमारे साथ एग्रीमेंट में आ सकते हैं, या आप क्वार्टरली बेसिस पे भी आ सकते हैं कि हम 3 महीने के बाद आपसे इंस्टॉलमेंट लें, दोनों जो चॉइस होंगी वो आपके पास होंगी। मंथली के अंदर हमारा कुछ शेड्यूल इस तरह का होगा कि जो मंथली पेमेंट है, सपोज़ हमारी एक डील लॉक होती है 90 लाख पे, उसकी आप 20 लाख रुपए डाउन पेमेंट करके उसकी जो रिमेनिंग 70 लाख रुपए 18 महीने के अंदर आप उसको डिवाइड कर लें, उसके अंदर से आप तकरीबन 10 लाख रुपए जो है वो एट द टाइम ऑफ पोजेशन रखें। वो हम लोग खुद अपने कस्टमर को एक लीलियंसी देते हैं ताकि जब उनको चाबी हम हैंड ओवर करने लगें तो कुछ अमाउंट का पोर्शन हो जो वो एट द टाइम ऑफ पोजेशन के टाइम दें हमें, तो वो उसकी पेमेंट जो होती है वो तकरीबन 10 से 15 लाख होती है। तो उसके अंदर थोड़ा क्लाइंट भी जो होता है वो सेटिस्फाइड होता है कि कुछ पेमेंट मेरे अभी बैक पे है जो मैंने एट द टाइम ऑफ पोजेशन पे देनी है। तो जो मंथली इंस्टॉलमेंट होगी या आप उसको जो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है वो आप एज़ पर योर कन्वीनसी, जो आपके लिए कन्वीनियंट हो आप उसके अकॉर्डिंग हमें पे करें। इसके अलावा अब जो पेमेंट शेड्यूल होगा उस एग्रीमेंट के अंदर, उसके अंदर क्लियरली ये मेंशन किया जाएगा कि एज़ पर जो हमारी आपकी एक डील हो रही है, जो एग्रीमेंट हो रहा है, उसके अंदर ये चीज़ भी डिसाइड होगी कि अगर मार्केट के अंदर कल कंस्ट्रक्शन के रेट्स बढ़ते हैं तो आप उन रेट्स के अकॉर्डिंग हमें अगेन पे करेंगे, ताकि हम लोग आपको प्रॉपर उस टाइम पे डिलीवर्ड कर सकें टाइम के अकॉर्डिंग जो आपकी हमारी कमिटमेंट है। और जैसे जैसे मार्केट का रेट बढ़ेगा हम उसके अकॉर्डिंग आपसे वैसा ही चार्ज करेंगे। नॉर्मली ऐसा होता कम है, क्योंकि जब आप इस तरह की कोई डील में आ जाते हैं तो कुछ चीज़ें हम भी हैं जो क्लाइंट को फेवर में देते हैं। एक चीज़ जाहिर सी बात है, नई बुकिंग करवाने की प्राइस कॉस्ट और होती है। अगर आप एक ऑनवर्ड चीज़ों को लेके चल रहे हैं, अगर उसके अंदर कोई प्राइसेस में इंक्रीज़ होता है, लाइक सरिया सीमेंट जो आजकल पाकिस्तान में बहुत एक पीक पे काम चल रहा है और इनके रेट्स बहुत टॉप पे जा रहे हैं, तो उनके रेट्स का वो आप पे उस तरीके से इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा जो एक नई बुकिंग पर पड़ेगा। तो एक तो इसके अंदर ये बड़ा आपको क्लियर होना चाहिए, उस एग्रीमेंट में भी ये हमारा एक क्लॉज मेंशन होगा कि एज़ पर रेट्स मार्केट जो कंस्ट्रक्शन के रेट्स हैं वो बढ़ाए जा सकते हैं बिल्डर्स की साइड से।
दूसरा क्लॉज के अंदर ये ऐड होगा कि जो आप कैटेगरी हमसे बनवाने जा रहे हैं, लाइक वो पोर्शन आप पे ए कैटेगरी का बनवाते हैं, वो ए प्लस कैटेगरी बनवाते हैं या बी कैटेगरी बनवाते हैं, तो वो डिपेंड करेगा कि आपकी बेसिकली नीड क्या है। मतलब वो डिपेंड करेगा कि बी कैटेगरी आप बनवाते हैं, अगर उसकी कॉस्ट 70 लाख है तो ए कैटेगरी की 80 होगी, अगर आप ए से प्लस पे जाएंगे तो डेफिनेटली 90 पे जाके स्टैंड कर रहा होगा। तो टोटली डिपेंड करेगा आपके बजट पे। इसके अंदर डेफिनेटली जो मटेरियल कॉस्ट है वो भी अफेक्ट करती है। ए कैटेगरी या ए प्लस कैटेगरी के घरों के अंदर जो इंटीरियर है उसके अंदर बहुत फ़र्क होता है। उसकी जो टाइल्स होती हैं लाइक मास्टर टाइल्स और अमरेली टाइल्स के जो ब्रांड्स हैं, ये हर जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है कैटेगरी के साथ मैच नहीं करती। तो इसको साथ नज़र रखते हुए आपके एग्रीमेंट के अंदर ये इस क्लॉज के अंदर ये चीज़ ऐड होगी, जो हम कैटेगरी आपसे कमिटेड होंगे ऑन डॉक्यूमेंट्स नॉट वर्बली, वो ए टू जेड आपको उस तरीके की ही चीज़ें दी जाएंगी। थर्ड वन, इसके अंदर एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट जो है कि जो टाइम ऑफ डिलीवरी है, जो मोस्ट ऑफ डेट हमारे कस्टमर्स के यहाँ पे बहुत कुछ बैड एक्सपीरियंस हैं डीलर्स भाइयों के साथ, हजरात के साथ, वॉट एवर, मैं किसी के नेम को तो नहीं लूँगा, मुझे नहीं पता किसका किसके साथ क्या काम चल रहा है, लेकिन हम जस्ट अपनी आपसे ये श्योरिटी करेंगे जो हम इंशाल्लाह आपको टाइम डिलीवरी का देंगे, अगर वो एक टाइम 18 महीने का है तो इंशाल्लाह हमारी कंपनी की तरफ से हमारी ये कोशिश होगी कि वो डिलीवरी टाइम 18 महीने से पहले ही आपको हैंड ओवर कर दिया जाए, उसके अंदर इंशाल्लाह कोई इतना ज़्यादा डिले नहीं होगा। इसके साथ में जो अंदर का मटेरियल होगा वो टोटली उसकी जो कोटेशन होगी विद नेम्स, वो उस एग्रीमेंट में मेंशन होगी। आपको ये तक पता होगा कि आपके वॉशरूम के अंदर टाइल्स किस कंपनी की लगनी है। टोटली ये नहीं होगा कि रैंडमली आप 18 महीने बाद अपने घर की चाबी लेने आए तो आपको जब चीज़ें आप देखें तो आपको टाइल कुछ और नज़र आ रही हो, आपको जो बाहर की सैनिटरी का सामान है वो कुछ और नज़र आ रहा हो, किचन का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ और हो, तो आप जो चीज़ें एक्सपेक्ट ही ना करें। पहले हम एक इंशाल्लाह टेबल टॉक करेंगे, आपके साथ चीज़ें डिस्कस होंगी, आपके सामने कुछ प्लान्स रखे जाएंगे कि सर ये ए कैटेगरी है, ये बी कैटेगरी है, ये ए प्लस कैटेगरी है, इन तीन के अंदर से व्हाट यू वांट एज़ पर योर बजट, वो चीज़ ही इंशाल्लाह हम एग्रीमेंट के अंदर मेंशन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप इसको लेके चल सकते हैं। तो टोटली आज का इस टॉपिक के अंदर आपको बेसिकली बताने का रीज़न ये था कि कुछ कस्टमर सोच के डर जाते हैं कि जी 90 लाख की कंस्ट्रक्शन है हम कैसे दें वन टाइम में, ये है वो है, तो उसमें आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इंशाल्लाह आएँ, रज़ा मुजाहिद आरपीएन के प्लेटफॉर्म से आपको प्रॉपर गाइड भी करेगा और जो रेट्स के हवाले से चीज़ें हैं, जो एग्रीमेंट के अंदर जो चीज़ें हमारी डिसाइड होंगी इंशाल्लाह, उसकी जस्ट एक लाइट सी अमाउंट 12 से 15 लाख डाउन पेमेंट दे के आप उस कंस्ट्रक्शन के आगे सर्कुलेट को लेके चल सकते हो। लास्ट में एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँ, जो पेमेंट का शेड्यूल है मंथ के अलावा, जो दूसरा मैंने ऑप्शन आपको बताया था 3 मंथ्स वाला, उसके अंदर ऐसा हो सकता है कि आपकी जो पेमेंट हो वो आप इस कैटेगरी में दे सकते हैं कि फर्स्ट स्लैब के टाइम पे आप कुछ पेमेंट दे दें, सेकंड स्लैब के टाइम पे आप कुछ पेमेंट दे दें, एट द टाइम ऑफ जब लिंटर डाल रहे हो या पोजेशन का टाइम हो तो आप उसको भी लेके चल सकते हो। ज़रूरी नहीं है 18 महीने ही आप पेमेंट दें। अगर कोई बंदा पहले हमसे घर बनवाना चाहता है, क्योंकि नॉर्मली जो टाइम होता है कंस्ट्रक्शन का 125 गज का, वो तकरीबन 6 महीने से 9 महीने का होता है। पहले 3 महीने जो होते हैं वो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसीजर होता है बैरिया के अंदर, वो मैनेजमेंट की तरफ से कुछ काम उनके होते हैं, इंस्पेक्शंस होती हैं, ऑडिट्स होते हैं, वो बैरिया अपने पूरे काम करने के बाद 3 महीने के बाद आपको एनओसी मिलता है फॉर डिगिंग के लिए। फिर आप उसकी डिगिंग जब करते हैं तो वो तकरीबन 6 महीने आपको फिनिशिंग तक लग जाते हैं। तो आप अपने माइंड में ये बात रख सकते हैं कि 3 से 9 महीने के अंदर आपका घर जो है वो फुल फ्लैश पेमेंट पे तैयार हो सकता है। इफ़ यू वांट टू रेडी योर हाउस जस्ट 3 to 9 months, दिस इज़ पॉसिबल फ्रॉम बिल्डर साइड, फ्रॉम आवर साइड, और इफ़ यू गो फॉर 18 months तो वो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। फर्दर अगर आपको कंस्ट्रक्शन के हवाले से कोई रीसेल के हवाले से कोई कॉन्टैक्ट करना हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।